अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलाम रजा। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 से बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द सेल। और आज का हमारा लेक्चर है 7th, और उसका टॉपिक जो है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसकी फंक्शंस भी पढ़ेंगे और डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट अपडेट तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले हमें बताना चाहिए कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस जो हमारा था वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने नाम लिखा हुआ है, इन 1831 में। ठीक है फ्रेंड्स, और न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक सेंटर है। किसका? कंट्रोल सेंटर है। किसका? सेल का। जिस तरह से हमारे इंसानों में ब्रेन होता है, वो क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है बॉडी का। इसी तरह से सेल, एक सेल का न्यूक्लियस होता है क्या? कंट्रोल सेंटर। और क्या कंटेंट करता है न्यूक्लियस? जीन्स कंटेंट करता है ऑफ द सेल। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? कंटेन क्या करता है? जीन्स। और उससे उसके बाद जो हमारे दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये भी हमारे जीन्स कंटेंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन के न्यूक्लियस क्या है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि क्या क्या है न्यूक्लियस में। ठीक है फ्रेंड्स, और किस तरह से बना है। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये सब, सपोज करें ये एक सेल है। ठीक है, आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, ये एक सेल है। जैसा कि हमें पता है कि न्यूक्लियस वो होता है सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, अब ये सेंटर में पाया गया है। अब उसके बाहर से एक लेयर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक लेयर होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, और उस लेयर में कुछ पोर्स होते हैं, आप देख सकते हैं, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, अब देखें यहाँ पे ये पोर्स हैं, इन पोर्स को कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स। अब देख सकते हैं आप। जी फ्रेंड्स, अब कुछ क्रोमेटिन, कुछ मटेरियल होता है सेल में, उसको कहा जाता है क्रोमेटिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देख सकते हैं आप, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं हम क्रोमेटिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आता है हमारे पास, जिस तरह से आप देख सकते हैं सर्कल जैसा, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। ठीक है फ्रेंड्स, अब न्यूक्लियोलस का क्या है हमारे पास फंक्शन? साइंथिसिस ऑफ आरएनए। फ्रेंड्स, न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है? साइंथिसिस ऑफ आरएनए करता है। ठीक है, और हमारे जो प्रोटीन्स है वो साइटोप्लाज्म में बनती है। अब ये देखें, सपोज करें ये एनिमल सेल है। ठीक है, अब ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है सेल साइटोप्लाज्म, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है फ्रेंड्स, साइटोप्लाज्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हो गया, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। और साइटोप्लाज्म में हमेशा प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, ना कि न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है? सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन ये है कि अंदर साइटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जाए और न्यूक्लियस से कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म में आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक चैनल है किसका? ट्रांसपोर्ट का, थ्रू द साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस और थ्रू द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्रोमेटिन किस तरह से बना है, किस चीज़ से बना होता है। क्रोमेटिन बना होता है डीएनए और प्रोटीन से। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये क्रोमेटिन है, इसमें हमारा डीएनए मौजूद होता है, जो कि एक हेरिडिटी मटीरियल है, और प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, प्रोटीन से बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है? साइंथेसिस ऑफ आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए का मतलब क्या है? राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, कौन साइंथेसिस करता है? न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या करता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म में हमारी क्या बनती है? प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स किस में बनती है? साइटोप्लाज्म में।
तो उससे ड्रेन करता है प्रोटीन्स को, कौन? न्यूक्लियोलस। किस तरह से? न्यूक्लियर पोर्स से, ठीक है फ्रेंड्स। ड्रेन करता है मतलब खींचता है प्रोटीन्स को, कौन? न्यूक्लियोलस। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आरआरएनए साइंथेसिस करता है, कौन? न्यूक्लियोलस। प्रोटीन्स और आरआरएनए मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है, ठीक है फ्रेंड्स? न्यूक्लियोप्लाज्म भी न्यूक्लियर के अंदर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का प्लाज्म, फ्लूड न्यूक्लियस का, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपका समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा जी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ये जो हमारा क्रोमेटिन है, जो कि डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, जब ये हमारा सेल डिवाइड होता है तो जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है वो एक क्रोमोसोम से बन जाता है, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम्स में, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्रोमोसोम क्या है? अब क्रोमोसोम को डिफाइन करने के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ, इस तरह से समझा सकता हूँ कि क्रोमोसोम जो है वो एक बॉडी है जी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या मैं बोल रहा था कि हमारा जो एक क्रोमोसोम है वो एक बॉडी है जो एक कंटेन करता है क्रोमेटिड्स, ठीक है। क्रोमेटिड्स क्या है? ये हमारे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये पार्ट है, एक पार्ट है, ये होते हैं क्रोमेटिड्स, ठीक है। और ये कनेक्ट होते हैं सेंट्रोमर से, ठीक है। अब ये सेंट्रोमर क्या है? एक पॉइंट है जिससे क्रोमेटिड्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और ये क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन अगर पढ़ें हम, तो ये ईच स्पीशीज में एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर में होता है, कौन? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक ऑर्गेनेल है जो कि बनता है सेल डिवीजन की मतलब के टाइम के ऊपर। वो किससे बनता है? क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन कन्वर्ट होता है किसमें? क्रोमोसोम में, ठीक है। और वो क्रोमोसोम क्या होता है? हर एक स्पीशी में अपना एक स्पेसिफिक नंबर अख्तियार करता है, ठीक है। अब देखें जिस तरह से ह्यूमन सेल कंटेंस 46 क्रोमोसोम्स विद द एक्सेप्शन ऑफ सेक्स सेल्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका मतलब क्या है? ये हमेशा जैसे हम फर्टिलाइजेशन होती है ह्यूमंस में, ठीक है, मतलब के हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? 23 क्रोमोसोम्स फीमेल पेरेंट्स में होती हैं और 23 क्रोमोसोम्स मेल पेरेंट्स में होती है, ठीक है। तो मिलकर 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ तक हो गया हमारा स्ट्रक्चर इसका, न्यूक्लियस का। अब फंक्शंस क्या हैं न्यूक्लियस के, चलते हैं। अब अगर आपका यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर जी फ्रेंड्स। अब पहला फंक्शन है कंट्रोल सेंटर। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है, मतलब कि कंट्रोल सेंटर एक फैक्ट्री है एक सेल की, किस चीज़ एक मतलब कि एक हेड डिपार्टमेंट है। जिस तरह से आप फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्रीज में वहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स होती है और कुछ डिपार्टमेंट्स का कोई हेड होता है, मतलब किस डिपार्टमेंट में क्या चाहिए, किस डिपार्टमेंट में क्या चाहिए, तो वो कौन करता है हैंडल? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा सेल का भी एक कंट्रोल सेंटर है, वो कौन है? न्यूक्लियस। मतलब सेल को क्या चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब हर सेल की एक्टिविटी कौन रेगुलेट करता है? न्यूक्लियस, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हम। कंटेंस हेरिडिटी मटेरियल। अब ये हेरिडिटी मटेरियल क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए होता है। अब डीएनए क्या है? एक हेरिडिटी मटेरियल है जो कि ऑफस्प्रिंग टू एक्स, मतलब कि हमारे वालदेन से ऑफस्प्रिंग में जाता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये एक हेरिडिटी मटेरियल है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हम थर्ड पे फंक्शन में जाते हैं, डायरेक्ट प्रोटीन साइंथेसिस जी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस जो होता है वो डायरेक्ट करता है, मतलब के रेगुलेट करता है प्रोटीन साइंथेसिस को। किस तरह से? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ये अब न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि जी फ्रेंड्स, अब किस तरह से के अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये हमारा न्यूक्लियोलस जो है ये ड्रेन करता है प्रोटीन्स को, ठीक है, प्रोटीन्स को ड्रेन करता है। ये न्यूक्लियस किस में है? मौजूद किस में है? न्यूक्लियस में। मतलब कौन डायरेक्ट कर रहा है?
कौन डायरेक्ट कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। किसको? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस को। किस तरह से, मतलब क्या करने के लिए? ड्रेन करने के लिए, खींचने के लिए प्रोटीन्स को, और आरआरएनए मिलकर राइबोसोम्स बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा किसे डायरेक्ट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को। और वो साइंथिस प्रोटीन कहाँ पर बनती है? हमेशा बनती है साइटोप्लाज्म में। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा जी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमारा जो है चौथा फंक्शन, इनसाइड द न्यूक्लियस एट द रीजन ऑफ न्यूक्लियोलस साइंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स अकर। जी फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब हमारे प्रोटीन्स को ड्रेन करता है न्यूक्लियोलस और आरआरएनए मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम, टेक केयर। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें क्या क्या मौजूद होता है। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें क्या क्या मौजूद होता है? एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड होती है, लिपिड्स होते हैं हमारे, मिनरल्स होते हैं, और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? एक न्यूक्लियस का प्लाज्मा है, फ्लूइड पार्ट है।